हेलो गाइस, टुडे मैच जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज, सेकंड टेस्ट मैच। जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग 115 12 आउट 25 ओवर। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने आज 115 पे अपना 10 विकेट गवाए 25 ओवर में से। उसके बाद वेस्ट इंडीज की फर्स्ट इनिंग की बात करें दोस्तों, आज 51 रन की पारी खेली, एक विकेट नुकसान पे। 16 ओवर हो गए दोस्तों, 64 रन की लीड कर चुका है अभी वेस्ट इंडीज़। टेल करना है, 64 रन के बाद टेल हो जाएगा इस मैच। डे वन सेशन 3 स्टार्ट हो चुका है। करंट 300 की 3.12। दोस्तों, लास्ट 10 ओवर का मैच देखते हैं, 40 रन है, एक विकेट गिरा है अभी। दोस्तों, बात करेंगे वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच का मुकाबला किस तरह से रहा है आज इस मैच में, सेकंड टेस्ट में से। दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट में पता होगा आपको, ड्रॉ हुआ था। वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया, उसका पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने भी स्कोर बना दिया और इस मैच को ड्रॉ किया। और जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला आज यह सेकंड मुकाबला है। डे वन का सेशन 3 स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ हम बात करने वाले थे जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ की। जिम्बाब्वे की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग के बारे में। दोस्तों, बैटिंग की बात करते हैं। ब्रेथ वाइट्स और छंद पौध दोनों बल्लेबाजी करने उतरे इस मैच में। दोस्तों, ब्रेथ वाइट्स कैप्टन आज लेग बाय विकेट हुआ था मसाक दजा की गेंद पे, 7 रन पे अपना विकेट गिराया, 27 गेंदों में 7 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार पारी खेली थी, एक खराब गेंद वो लेग बाय विकेट गिरा, थोड़ा सा चुके और 27 गेंदों में 7 रन बना के एक छोका लगाया था उन्होंने। 25.92 थी स्ट्राइक रेट रही थी, वो यहाँ पे विकेट गिराया था ब्रेथ वाइट्स ने, कैप्टन ने। दोस्तों, उनके बाद बात करें दोस्तों चंद्र पॉल की, तो अभी नोट आउट क्रीज मौजूद है, 22 रन की पारी खेल चुके हैं 42 गेंदों में। दोस्तों, यहाँ पे 22 रन बना चुके हैं चंद्र पॉल 42 गेंदों में, 3 चौके उनके बल्ले से आए हैं, 52.38 थी उनकी स्ट्राइक, 42 रन की बहुत शानदार पारी खेली। यहाँ पे 42 गेंदों में 22 रन बनाना बहुत ही काम है इस मैच में। दोस्तों, जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला बहुत शानदार होने जा रहा है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने पहले फील्डिंग की। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता पहले बैटिंग का फैसला किया, वो यहाँ पे 100 रन बना के यहाँ पे 115 पे ऑल आउट हुई टीम 25 ओवर में। यहाँ बात करने वाले 42 गेंदों 22 रन बनाए थे चंद्र पॉल ने, नोट आउट क्रीज मौजूद हैं रेफर के साथ, रहमान रेफर 21 रन बना चुके हैं 31 गेंदों में, अच्छा परफॉर्म चल रहा है, 3 की चली करंट रन रेट। दोस्तों, 2 चौके एक चक्का लगा, चक्का आ चुका है इस बल्ले से रेफर के, 67.74 की स्टार रन है उनके बल्ले से, रेफर 21 पे भी खेल रहे हैं, तो चंद्र पॉल भी 22 पे खेल रहे हैं। दोस्तों, 42 गेंदों 22 रन बना चुके हैं, 3 चौके आए उनके बल्ले से, 52.38 स्ट्राइक रेट, ब्रेथ वाइज 7 रन के अपना विकेट गवाया। यहाँ बात करेंगे रेमन ठेफर की, 21 रन की पारी खेल चुके हैं 31 गेंदों में, 2 चौके एक 167.74 स्ट्राइक रेट। दोस्तों, एक्स्ट्रा मिले हैं 2 रन यहाँ पे। टोटल बात करेंगे 52 रन पे मेरा विकेट गिरा है, 17 ओवर हो चुके हैं समाप्त, करंट चली रन 3.18 की यहाँ पे, 52 पे 152 पे 1 विकेट। दोस्तों, बैटिंग बाकी है अभी, जर्मी ब्लैकवुड, केली मेयर्स, रोस्टर्स केस, जसवा दो सिल्वा, जस होल्डर, अलजय जोसेफ, खुदाकेश मोटी, शनन गैब्रियल की बैटिंग बाकी है इस मैच में। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात करने लायक बात की, 52 पे पहला विकेट गिरा है अभी, यहाँ पे 67 रन की जरूरत है अभी इस मैच को टेल करने के लिए। उसके बाद जो रन बनेगा उसके लिए वापस कल फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे कितने बनाते हैं। सो 5 डे का मैच होता है टेस्ट मैच, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से मैच होने जा रहा है। जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला सेकंड टेस्ट मैच है, आज पहला डे वो सेशन 3 चल रहा है अभी। दोस्तों, तो हम बात करने वाले थे किस तरह से होल्ड तक अच्छी बैटिंग करते हैं, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके होने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बात करने लायक बात है जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला, यहाँ बात करने वाले हैं अपन किस तरह से रहा है अभी बॉलिंग रिकॉर्ड, ये टू बैटिंग, जर्मी ब्लैकवुड, केल मेयर्स बैटिंग बाकी है, रोस्टर्स चीज, जसवा दो सिल्वा, विकेट कीपर जसन होल्डर, अलजय जोसेफ, गुराकेश मोटी, शनन ग्लेपियर। दोस्तों, फॉलो विकेट बात करते हैं, विकेट किस तरह गिरे हैं इस मैच में अभी, तो बात करें हम विकेट के बारे में। तो दोस्तों, विकेट गिरा है पहला 13 पे, करीब ब्रताज का 8 ओवर की 5 गेंद पे गिरा था, लेग बाय विकेट हुआ था उनका, वो भी वेलिंगटन मसाक दजा की गेंद पे, वेलिंगटन मसाक दजा ने आज 8 ओवर डाले थे, 3 निकाले मेडल, 22 रन का एक विकेट लिया, 2.75 रिक इकोनॉमी। विक्टर नयाची 4 ओवर में से 11 रन दे, 2.75 इकोनॉमी। तनका शिवंगा दोस्तों 4 ओवर डाले 18 रन देके 4.50 इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रिपॉन 2 गेंद डाली थी उन्होंने भी 1 रन दिया, 3 की इकोनॉमी।
दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा है, मस्त जगह एक विकेट लिया है अभी तक इन्होंने, 8 ओवर डाले थे, 3 मैडल निकाले, 22 रन दिए। और यहाँ पर विक्टोरिया नेची 204 ओवर में से 0 विकेट, 2.75 इकोनॉमी। और यहाँ बात करेंगे शिवंगा की, 204 ओवर डाले 18 देखे, 450 की इकोनॉमी रही। यहाँ पर एक नो बॉल फेंकी थी तुंगा शिवंगा ने, एक रखी थी डोनाल्ड त्रिपोनो ने। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग होने जा रही है, वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच का मुकाबला बहुत शानदार हो जा रहा है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच का आज का सेकंड टेस्ट मैच है, वो आज का डे फर्स्ट है, जहाँ पे जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया वेस्ट इंडीज टीम के सामने। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने दोस्तों 51 बना दी है 67 रन की ट्रेल करने से मैच बराबर हो जाएगा। आज यहाँ पे सेशन 3 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कल भी वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करेगा, कल मैच ऑल आउट नहीं हुआ तो परसों भी चलेगा। कल वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी आउट होती है, ओलर होती है, वहाँ पर जिम्बाब्वे बैटिंग करेगा। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं लाइक आते हैं कि दोस्तों आज बहुत अच्छा फॉर्म रहा, 115 पे ऑल आउट किया था वेस्ट इंडीज टीम, जिम्बाब्वे टीम को पिछले मैचों में बहुत ही बड़ा स्कोर किया था, 300 प्लस रन बनाए थे दोनों बल्लेबाजों ने, आउट अपने दूरा शतक लगाया था चंद्र पॉल ब्रेस राइट्स दोस्तों, ब्रेस राइट्स का 180 रन पारी खेली थी आपने पता होगा फर्स्ट इनिंग में। यहाँ पे दोस्तों आज विकेट गवाए 8 रन पे, यहाँ पे भी चंद्र पॉल क्रीज मौजूद है, इस मैच में लंबी पारी खेलते हैं तो जिम्बाब्वे की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाज जेमी ब्लैकवुड, केल मेयर्स, रोस्टर चीज, जोसेफ सिल्वा जो होल्डर, तो अच्छी बल्लेबाजी होती है वेस्ट इंडीज टीम से। दोस्तों इस तरह से आज का मैच इस तरह से रहा, अच्छा वीडियो लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हाईलाइट हो कमेंट्री और स्क्रीन बोर्ड के साथ आपके सामने हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।